सो दिस वॉज माई ट्रेड, यहाँ पे शॉर्ट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ओके ओके यहाँ मिल गया था मेरे को 1 RR, ओके 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 मतलब खत्म हो गया। फिर यहाँ फिर कुछ नहीं करना है गुरुदेव, सुबह हो लेट गया अस सी उसके बाद टुडे। में अब कुछ नहीं। नहीं, वो दूसरी बार अगर आपको यहाँ पे आके वापस शॉट देगा तो आपको पक्का लेना है। ओके ओके सेटअप जितनी बार ट्रिगर होता है, यू हैव टू पुल द ट्रिगर एज वेल। ओके अब आज का देख लेते हैं, ये है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। और शॉर्ट ही बिफोर वी रखना स्टार्टेड मुझे। दिस आई टोल्ड बिफोर वी स्टार्टेड आई टोल्ड यू ट्रिगर हुआ है, राइट? या तो देखो यहां ट्रिगर हुआ है, इट्स अ बिग स्टॉप लॉस। ओके, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं, ये है फेस टू फेस नंबर 192, 192 नंबर फेस टू फेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जितने भी किए अभी तक 191 रिकॉर्डिंग्स, अमेजिंग। एवरी वीडियो के अंदर में कुछ न कुछ लर्निंग मुझे मिली है, और मार्केट प्रोफेशनल तो और बेटर बन ही गया हूँ, बट मुझे लगता है मैं और बेटर इंसान बन गया हूँ, बिकॉज इतने लोगों से बातचीत करने के बाद में लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। सो आई होप यू हैव सीन प्रीवियस वीडियोस। बहुत सिंसियरली विश करता हूँ कि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बिकॉज एवरी सिंगल फेस टू फेस इज वर्दी ऑफ योर टाइम। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी है ना, किप इट सिंपल स्टूपिड। तो शेयर बाजार के अंदर में ना इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एक तरह के लोग होते हैं जो मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, बहुत ही विचित्र विचित्र तरीके के स्ट्रेटजीज बनाते हैं, फिर भी पैसे बनाते हैं। एक तरह के लोग हैं जो मार्केट को सिंपल रखते हैं और सिंप्लिसिटी से मार्केट में पैसे बनाते हैं। मैंने देखा है जैसे जैसे मार्केट में आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है ना, आप सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग ज्यादा करने लग जाते हैं। जब आप यंग रहते हैं तो आप में कॉम्प्लेक्सिटी अडॉप्ट करने की सहनशीलता बहुत होती है, बट जब आप मार्केट में सालों साल एक्सपीरियंस के बाद सेटल हो जाते हैं तो आपको लगता है यार ये काम तो सिंपल तरीके से भी कर सकते थे और उससे भी पैसा बन जाता। तो आज के जो वीडियो है ना, उसमें हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका मार्केट में बहुत रिच एक्सपीरियंस है, सालों साल का एक्सपीरियंस है, और अभी वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उसे सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने शायद मार्केट में देखी नहीं है, एंड ही इज मेकिंग मनी यूजिंग दो स्ट्रैटेजीज। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और इनवाइट करता हूं सीधा मिस्टर यशराज राणा जी को। हेलो, वेलकम यशराज जी, हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग विवेक जी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस लवली प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर शेयरिंग सर्टेन सेटअप्स दैट आई ट्रेड। आपको खाली मेरे को बताना है कि प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या यूज करनी, या तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेंगे। जी, मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में बोले, बिकॉज इंग्लिश का हम ट्रांसक्रिप्ट देते हैं नीचे में, ओके, इट्स इजियर फॉर अस टू, सो एज मच हिंदी एज पॉसिबल, बिकॉज आई एम हेयर फॉर अ वेरी लार्जर कॉज, एंड हिंदी इज द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर ऑल द यंग लर्नर्स। नो प्रॉब्लम, सो ठीक वील है, डू इट इन हिंदी एज मच एज वी कैन। वो बीच में आ जाएंगे इंग्लिश वर्ड्स, सो दैट्स ओके, बिकॉज या आई मीन दैट्स ओके, आई मीन डेरिवेटिव्स इज डेरिवेटिव्स, यू डोंट हैव हिंदी वर्ड येट फॉर दैट, सो इट्स ओके, द प्रेजेंटेशन इज इन इंग्लिश, सो वील ट्राई नॉट अ आवर प्रॉब्लम, बेस्ट। नॉट अ प्रॉब्लम सर। सो यशा जी, एज यू नो द फॉर्मैट, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, आपका एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद डीप डाइव करेंगे इन दी स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंटेशन विच यू हैव मेड फॉर अस। बैकग्राउंड के बारे में, तो मार्केट का बहुत लंबी जर्नी है मेरी। mid-90s आई स्टार्टेड जस्ट ड्यूरिंग द हर्षद मेहता बुल रन, एंड दैट वाज अ ड्रीम रैली। सबको पता है, अब तो मूवीज भी आ गई, सीरीज भी बन गई है। एंड पोस्ट दैट आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस बिकॉज आई वाज वर्किंग एज अ सब ब्रोकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देर वाज अ डिफॉल्ट ऑन माय हैंड्स। सो आई हैड टू गो बैक, डू माई MBA, देन गॉट इन टू अ कॉर्पोरेट जॉब। आई वर्क फॉर अबाउट 16 ऑड ईयर्स विद गुड कॉर्पोरेट्स, एंड माई लास्ट असाइनमेंट जो था कॉर्पोरेट में, वो एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, आई वॉज द गुजरात हेड फॉर दैट, एंड इट वॉज अ ग्रेट जर्नी, मेट सम वंडरफुल पीपल। बट जब बोलते हैं ना कि एक बार आप मार्केट में घुस गए ना, आप छोड़ नहीं सकते उसको। वो टाइम पे पोजिशनल ट्रेडिंग होती थी बिकॉज यू कांट डू इंट्राडे
जब आप फुल टाइम जॉब करते हो, एंड देन अबाउट 6 ईयर्स बैक आई हैव लेफ्ट दैट, और तब से फुल टाइम ट्रेडर। ओके, बहुत लर्निंग हुई है एंड जितना हो सकेगा उतना मैं शेयर करूंगा अभी। आई एम श्योर 100%, जितना मैं आपको जाना हूँ अभी तक आप देने में बिलीव करते हैं, सो आई एम श्योर विल गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू। सो यशराज जी, मैंने देखा है आपसे बात करते करते, हम दूसरी तीसरी बार बात कर रहे हैं, कि आप सिंप्लिसिटी में बहुत बिलीव करते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी में भी सिंप्लिसिटी है, तो वी लव टू लर्न मोर फ्रॉम यू, व्हाट एग्जैक्टली यू डू इन द मार्केट। सो वुड यू लाइक टू डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड स्टार्ट द प्रेजेंटेशन? श्योर, आई विल डू दैट। अभी आप कौन से शहर में? मैं वडोदरा में हूँ सर। इट्स अ लवली प्लेस। आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए। जी, डेफिनेटली, बड़े बड़े दिग्गज लोग गुजरात में बैठे हैं तो आना तो पड़ेगा ही। एनी टाइम सर। सो कैन यू सी माई प्रेजेंटेशन जी नाउ? जी जी ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे। अब मेरी जो जर्नी है, थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड लेके ये प्रेजेंटेशन बनाया है। सो प्रॉबली पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग, अभी जो चालू कर रहे हैं, या तो जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई फॉलोड जिससे मेरे को सक्सेस मिला है। सो वो मैं शेयर करूंगा थोड़ा जी सा। एंड फर्स्ट स्टेप है विवेक जी, के आपको सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना है। बोलते हैं कि 95% ट्रेडर्स आर नॉट सक्सेसफुल, वो लोग लॉसेस करते हैं। ओनली अबाउट 5% आर प्रॉफिटेबल। तो कितना पैसा कमाना है उसको अभी छोड़ना है, आपको खाली मार्केट को पैसा देने से बंद करना है, और आपको एक बार प्रॉफिटेबल साइड में घुसना है। जस्ट लाइक दिस फिश दैट आई हैव सीन, आपको ये जंप लगाना जरूरी है। और ये जो जंप है, ये इजी नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए एंड अ लॉट ऑफ हार्डवर्क एंड यू नो रोज का स्टडी चाहिए इसके लिए। सो डिस्क्लेमर पहले से ही बता देता हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जर्नी, बट फ्लिप साइड उसके ऐसी है कि वंस यू डू दिस जर्नी, एक बार आप प्रॉफिटेबिलिटी के इस बाउल में आ गए, देन देर आर नो लिमिट। इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ। एंड मैं कैसे ये जगह पे पहुंचा हूँ, दैट आई विल ट्राई एंड शेयर। काफी हिट्स एंड मिसेस हुए हैं, काफी एरर्स हुए हैं, काफी मिस्टेक्स करी हैं। सो आई होप ये प्रेजेंटेशन के बाद पीपल विल एटलीस्ट नॉट मेक दोज मिस्टेक्स। और वो क्या है कि लर्निंग कर्व थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा उनके लिए। सो एज अ ट्रेडर आपको दो तीन क्वेश्चंस थोड़ा सा आंसर करने पड़ते हैं खुद को, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। दैट्स पॉइंट नंबर वन। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, मेरे से भी हुई थी, यू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में ना बेसिकली एक गेट रिच स्लोली स्कीम है, इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। और आराम से अगर पैसा बनाओगे, इसको आप देखो कि आप या तो कोई दुकान चलाते हो या तो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको उसी हिसाब से इसमें काम करना है कि सैलरी लेनी है घर पे। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप समझ लो एक चीज के, व्हेन यू स्टार्टेड योर जॉब, आप तो बेस एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड से ज्वाइन किया ना। व्हेन यू ज्वाइन एज अ फ्रेशर, दैट इज द लोएस्ट सैलरी बैंड। वहीं से आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो, राइट? एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग मोर एंड मोर। तो मार्केट में अगर आपने एंट्री ली है, तो आप ऐसे ही समझ लो कि आप प्राइमरी स्कूल में अभी ज्वाइन हुए हो। तो राइट नाउ डोंट ट्राई एंड डू समथिंग किसी को देख के कि भाई वो कॉलेज में पहुंच गया, आज में आप उसको डुप्लीकेट करने की ट्राई करो, उसका प्रॉफिट देख के आप उतना ही रिस्क ले लो, ये सब मत करो। अभी आप इतना ही समझो कि मेरे को प्राइमरी स्कूल में से अभी फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जाना है, तो स्लोली एंड श्योरली ये काम करना है। सो इफ यू विल प्रोग्रेस लाइक दैट, आई एम श्योर द मार्केट विल गिव यू इनफ टाइम एंड इनफ मनी टू बी मेड। ओके, अभी मैं जितने भी ट्रेडर्स को मिलता हूँ, वो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं मेरे को कि आपका सेटअप क्या है। अब ये थोड़ा सा बोरिंग है, इसको क्विकली अपने फिनिश करेंगे। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि सेटअप के ऊपर मत जाओ, सेटअप तो जितने भी है सारे प्रॉफिटेबल है। इनफैक्ट आपके ही फेस टू फेस में इतने वंडरफुल ट्रेडर्स हैव कम, ऑल ऑफ देम आर डूइंग सेपरेट सेटअप ट्रेडिंग। ठीक है, हर एक का अलग स्टाइल है, सब पैसा बना रहे। तो सेटअप तो कितने ही है जो पैसा बनाएंगे, बट एक ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करनी पड़ती है जिसको आप फॉलो करोगे, और आपका जो ट्रेडिंग का सेटअप, इट इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में एक स्नैपशॉट दिया, ये रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये मैंने जानबूझ के इसको इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस दिया है। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर से आपको बिल्कुल भी आंख हिलानी नहीं है। इसमें मैक्स लॉस और पोजिशन साइजिंग डिफाइन होता है,
ट्रेड मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका एंट्री का कौन सा लेवल रहता है, कौन सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कब इसको ट्रेल करना है। एंड टेक्निकल एनालिसिस में दो ही चीजें, एक पैटर्न आप कौन सी ट्रेड कर रहे हो, तो आपका ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो होता है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, मेन है आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। इसके ऊपर बहुत बात हुई है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना ही बोलूंगा आपको। एंड अगर आप चालू कर रहे हो तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर ही काम करिए। टेक्निकल सेटअप्स तो बहुत सारे हैं जो पैसा बना के देते हैं, सिंपल सही मूविंग बात। एवरेज भी देगी आपको। सो डोंट यू नो पुट सो मच ऑफ एफर्ट के आप सेटअप ढूंढो लोगों को मिल मिल के। इससे अच्छा आप खुद का डिसिप्लिन और खुद का एक साइकोलॉजी होता है विवेक जी, मैंने नोटिस किया है। हाँ यू नो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने सब कुछ किया है, बट अगर आपका जो सेटअप है, इफ यू आर नॉट ट्यून्ड साइकोलॉजिकली टू इट ना, तो आप उसको रोज फॉलो ही नहीं कर पाओगे। हाँ सो इट्स वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट कि आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है, उसके साथ आपका ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड सेटअप सेट होना चाहिए। सो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ये प्लस हिट्स एंड मिस के बाद ही आपको पता चलता है कि विच सेटअप यू आर कंफर्टेबल विद। मैं करता हूँ, जैसे आपने बताया कि सिंपल चीज के तरफ जाता है आदमी, मैंने भी जब चालू किया तो सब चेक कर लिया था, सारे मूविंग एवरेजेस दिए, RSI देख लिया, ROC भी होता था, अभी है नहीं, MACD सब किया, स्टोकेस्टिक एवरीथिंग। स्लोली स्लोली यू स्टार्ट रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम द चार्ट बिकॉज क्लटर हो जाता है वो बाद में। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने दो इंडिकेटर लगा दिए ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एक इंडिकेटर बाय बोलता है, दूसरे ने बाय नहीं ट्रिगर किया होता है, तो दूसरा जब बाय ट्रिगर करता है तो पहला वाला बोलता है कि एग्जिट करो। सो स्लोली स्लोली यू स्टार्ट रिमूविंग थिंग्स। चार्ट को सिंपल रखता हूं मैं और प्राइस एक्शन स्टडी करता हूँ। नो डाउट के प्राइस एक्शन स्टडी करके उसको मास्टर करने में टाइम लगेगा, पर इट इज वर्थ द जर्नी, बिकॉज आपने एक बार प्राइस एक्शन रीडिंग समझ लिया, फिर आप स्टॉक्स है, इंडेक्स है, मेटल है, कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। इट्स अ मैटर ऑफ 3 to 6 months, आप उसको खाली बैक टेस्ट और बैक स्टडी कर लो, आपको पता चल जाता है कि किस तरह से बिहेव करता है प्राइस। सही। सो अभी एक यशराज जी, डीपी ट्रेड। एक हाँ छोटी जी सी बात है, मैं यस हाँ बीच बीच में म्यूट में चला जाऊंगा बिकॉज मेरे कॉफ हो रखा है, तो मैं खांसूंगा तो बॉदर नहीं करना चाहता हूँ। आप प्रिज्यूम कर लीजिएगा मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, और अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लूंगा। डन डन एनी टाइम। सो एक इंट्राडे के लिए डीपी ट्रेडिंग सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं डिसीजन पॉइंट ट्रेडिंग। ओके अब डिसीजन पॉइंट इज नथिंग बट ऐसा लेवल होता है चार्ट के ऊपर जो आप मार्क करते हो, जहां पे मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स एक्शन लेते हैं, ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। सबसे सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दे तो इट्स अ ब्रेकआउट लेवल होता है जो सबको दिखता है चार्ट के ऊपर, एंड एवरीबॉडी इज वेटिंग एवरी सिंगल डे कि ये ब्रेकआउट लेवल टूटे और मैं ट्रेड लूंगा। नाउ दैट इज अ डिसीजन पॉइंट कि भाई सब वेट कर रहे हैं और मैं वहीं पर डिसीजन लूंगा। कोई शॉर्ट करता है या कोई लॉन्ग करता है वो अलग बात है, बट एवरीबॉडी विल पंच एन ऑर्डर देन। तो वहां पे आपको नॉर्मली वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा, ऑर्डर फ्लो आता है, और कोई भी एक साइड का मूवमेंट आता है वहां पे, ठीक है ना। हु मेक्स मनी एंड हु डजंट वो अलग बात है, पर डिसीजन पॉइंट इज बेसिकली वेयर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स विल टेक एक्शन सोच समझ के। अब ये चार पॉइंट्स होते हैं, एक तो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे क्लोज और डे ओपन, ये चारों चार इंपॉर्टेंट है, ऑल आर डिसीजन पॉइंट्स। ओके बट इसके अंदर से मैंने दो ही चूज किए हैं, वन इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, बिकॉज मैं रेंज ट्रेडिंग करता हूँ और रेंज को ट्रेड करने के रूल्स रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। आई गॉट सम एग्जांपल्स जो मैं शेयर करूंगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको या तो कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड दिखेगा या तो रिवर्सल हो सकता है ये पॉइंट से। सो अगर आपने प्राइस एक्शन ये पॉइंट्स पे ही स्टडी करना है, फिर पूरा दिन उस प्राइस अगर ये बीच में घूमता रहता है तो इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, आपको वहां पे कुछ लगाना ही नहीं है। आपका दिमाग ओनली ऑन दीज टू पॉइंट्स इज वेयर आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड इन। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है कि ऑल फोर डीपीज आर इम्पोर्टेंट, बट रेंज एक्सट्रीम जो होता है प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, मैं ये दो जगह पे ही इंटरेस्ट लेता हूँ। एंड एज अ ट्रेडर आपको ऐसी सिस्टम बनानी है जहां पे आपको मिनिमम टू मिनिमम ट्रेड्स मिले, ठीक है। सो आप डे ओपन डे क्लोज सब निकाल दो, ओनली प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ले लो, तो आपको देर आर ओनली टू लेवल्स ऑन योर चार्ट, दे वहां आएगा तो ही आपको ट्रेड लेना है, वो भी अगर आपका ट्रेड सेटअप बोलेगा तो ही आपको ट्रेड लेना है। सो धीरे धीरे करके आपको मिनिमाइज कर देना है आपका ट्रेडिंग। सी व्हाट हैपेंस इसके, आपने बोलते हैं कि रिस्क है मार्केट में, ओके मैं बोलता हूँ रिस्क मार्केट में
नहीं है, रिस्क चालू कब होता है कि आप जब ट्रेड लोगे तब रिस्क चालू होता है, अदरवाइज देर इज नो रिस्क. सो यू हैव टू, इफ यू वांट टू मिनिमाइज योर रिस्क, देर आर टू वेज. आइदर यू टेक लेस ट्रेड्स और यू स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉसेस. अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस में तो आपसे होगा नहीं, पर आपको कम ट्रेड लेने. ऐसा नहीं कि रोज के 4-5 ट्रेड ले लिए. ओनली इफ दीज लेवल्स आर रीच्ड वही टाइम पे आपको ट्रेड लेना है. हाँ, तो ये जो प्राइस एक्शन का एक ट्रेड सेटअप मैं बता दूंगा यहाँ पे. सो एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं, दे डोंट हैव टू गो बैक एंड ट्राई एंड फिगर आउट कौन सा सेटअप कर रहा है, इसमें क्या क्या चीजें देखनी, किस चीज को फाइन ट्यून करना है. ये फाइन ट्यून की हुई सिस्टम है, इसी को अगर लोग फॉलो कर लेंगे तो आई एम श्योर दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ वैल्यू. क्योंकि नो, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि एक विनिंग साइकोलॉजी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एनी थिंग यू डू इन लाइफ. सेम गोज फॉर ट्रेडिंग. और ट्रेडिंग में कैसा है ना, इट्स अ इमोशनल गेम. मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले कर रहे होते हो, हाँ तो इमोशंस विल अननेसेसरी क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. और स्ट्रेस लेवल को कम रखना है अपने को. सो एक सिंपल सी सिस्टम मैं डिजाइन किया है, शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप दिस इज ऑफ वैल्यू. इसमें आपको ये प्राइस एक्शन ट्रेड सेटअप है, देर आर नो इंडिकेटर्स. अब इसमें आपको सिंपल चीज करनी है. सब जगह आपने सुना है कि भाई ट्रेंड फॉलो करोगे तो आप ऑलवेज थोड़ा सेफ रहोगे, राइट? तो इधर भी वी विल स्टार्ट के भी एक लार्जर ट्रेंड जो है उसी के साइड में अपने को ट्रेड लेना है. अब ये ट्रेंड कैसे पकड़ेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको. फिर नेक्स्ट है आपको डिसीजन पॉइंट लेवल्स मार्क कर देने चार्ट पे, जहां पे आप रेडी रहेंगे ट्रेड लेने के लिए. फिर प्राइस एक्शन को ये डिसीजन पॉइंट के आजू बाजू यू हैव टू ऑब्जर्व प्रॉपरली. और आपको देखना है कि यहाँ पे कोई भी एक साइड के ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. सी, इट्स बेसिक के लिए जीरो सम गेम बोलते हैं ट्रेडिंग को. कोई भी एक लेवल पे आदमी लॉन्ग हो रहा होता है, कोई भी एक लेवल पे वही लेवल पे आदमी शॉर्ट भी हो रहा होता है. दो में से एक आदमी फंसता है, राइट? और वो जब फंसते हैं तब एग्जिट करने के लिए भागते हैं, तो ऑर्डर फ्लो और आता है ना, आपको थोड़ा सा गेन मिल जाता है इन सर्टेन पॉइंट्स, राइट? और आपको ट्रेड ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेयर ही रहना है. लाइक आई सेड, फिगर आउट द लार्जर ट्रेंड और वो ट्रेंड के साथ ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है? और आपको तुरंत प्रॉफिट ले लेना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये चीज मेरे को रियलाइज करने में काफी टाइम लगा था. सो आई विल यू नो मेक इट क्लियर ओवर हियर कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप ये 80, 90, 100 पॉइंट्स के पीछे मत दौड़ो. वो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मिल जाएगा, ठीक है? बट आपको एक लिखा लेना कि भी मेरे को अगर 20, 30, 40, 50 पॉइंट मिल रहा है ना इंट्राडे में, सो दैट इज गुड इनफ फॉर मी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. एटलीस्ट पॉइंट्स लेना चालू करो मार्केट से रेदर देन गिविंग इट बैक, ओके? और इसके लिए एक सिंपल सा सेटअप मैंने कर दिया कि आपका जो भी स्टॉप लॉस है जितने भी पॉइंट्स का, उस 1:1 पे आप थोड़ा बुक कर लो और 1:2 पे आप एग्जिट करो. फिर अगर आगे मार्केट जाता है तो उसको जाने दो, डोंट चेज द मार्केट. पर हर एक चीज में कुछ ना कुछ रूल बन जाएगा आपको जो आप फॉलो कर रहे हो. सो यू विल नॉट फील बैड कि अगर आपने एग्जिट भी कर दिया, तो यू नो इट्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम सेटअप. सो एक चीज को आपको पकड़ के चलना है कि आपको जैसे ही प्रॉफिट दिखता है मार्केट में, आपने जितना रिस्क लिया है उतना अगर मार्केट आपको दे रहा है सामने से, आपको उतना बुक करना है. और फिर स्टॉप लॉस को, ये मैं करता था, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला देता हूँ. सो दैट देन देर इज जीरो रिस्क इन दैट. अगर किसी को करना है कि भाई 1:1 हो गया, मेरे को बुक नहीं करना है, 1:2 पे ही बुक करना है, पर एटलीस्ट स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आना, ठीक पैसा जाना बंद हो जाएगा मार्केट, ठीक है? है. सो लेट अस सी. ट्रेंड फॉलोइंग रूल्स है, आपको पता है कि लार्जर ट्रेंड को आपको फॉलो करना है एज एन इंट्राडे प्लेयर. सिंपल सी चीज है. अब यहाँ पे कैसा, इनकेस अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो ये डाउन ट्रेंड जब तक प्रीवियस डे हाई के ऊपर किसी दिन ने क्लोजिंग नहीं दिया ना, तब तक ये डाउन ट्रेंड चालू है, ऐसा ही आपको अज्यूम करना है. तो बेसिकली एक डाउन ट्रेंड कब चेंज होगा, जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट क्लोज देगा, तब तब आपको समझना है कि ये डाउन ट्रेंड अभी चेंज होकर अप ट्रेंड हो गया है. सिमिलरली अप ट्रेंड तब तक कंसिडर इंटैक्ट रहता है जब तक आपका प्रीवियस डे लो का लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आता, ठीक है? साइडवेज आएगा, सब चलेगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस डे लो के नीचे और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग आए तो ही आपको ट्रेंड चेंज दिखेगा, अदरवाइज नहीं. और जब मैं क्लोजिंग की बात करता हूँ विवेक जी, इट इज नॉट द एक्सचेंज, वो पेपर में दिया हुआ क्लोजिंग नहीं, एग्जैक्ट 3:30 को लास्ट टिक जो है वो देखनी है. अच्छा, क्या डिफरेंस है? वो एवरेज आता है ना लास्ट हाफ एन आवर का. हाँ, बराबर है. हाँ, सो यहाँ तो एग्जैक्ट 3:30 को जो लास्ट ट्रेड हुआ है वही देखना है आपको.
ओके तो वेयर द चार्ट स्टॉप्स। बेसिकली चार्ट तो जो टेक्निकल एनालिसिस चार्ट में जो क्लोजिंग होता है वो तो 3.5 का ही होता है ना, भाव कॉपी में जो आता है वो होता है एवरेज। हाँ, सो वो नहीं देखना अपने को, एग्जैक्ट जो चार्ट दिखा रहा है, वी हैव टू फॉलो द चार्ट। ठीक, फिर ना ओके, सो तीन ट्रेड सेटअप दूंगा मैं। आप लास्ट टाइम व्हेन यू स्पोक टू मी, आई डिस्कस सर्टन सेटअप दैट आई एम ट्रेडिंग। या अब वो ट्रेड्स आर फार मोर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, बट यू हैड टोल्ड मी कि कुछ ऐसा बना के दो जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये मैं तीन सेटअप आपके लिए बनाए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है इसमें। एक है प्रीवियस डे लो के ट्रेड्स, ये दो ही लेवल पे ट्रेड लेने हैं, ये सबसे इजी होते हैं ट्रेड करने के। अगर आप तो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो आप 100 डेज के लिए खाली ये एक ही करो, बाकी कुछ मत करना। ओके और एक है जिसको टीसीसी ट्रेड बोलता हूं मैं, जो ट्रेंड कंसोलिडेशन एंड कंटिन्यूशन ट्रेड है। ये भी इजी है, पर ये कम मिलते हैं। ओके, दीज आर लिटिल लेस यू विल फाइंड इन अ मंथ। और एक है आपको वीवैप के ऊपर चाहिए था कुछ, मैं वीवैप का ट्रेड भी लेता हूं, पर पहले से ही बता दूं कि ये सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन आप जब समझ जाओगे ना, स्टडी करना, उसके बाद ही आप ये ट्रेड्स ले पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, एंड यू विल आप फंसते रहोगे इसमें। ठीक है, सो वीवैप का अगर ट्रेड लेना हो तो लीजिए, बट सोच समझ के लेना सब सही। और अगर आप एकदम न्यू भी हो, एंड इफ यू आर नॉट येट प्रॉफिटेबल, आप खाली फर्स्ट वाला पीडीएच पीडीएल वाला ही ट्रेड लीजिए। दिस विल मेक अ डिफरेंस, एंड दीज आर, ये आपको ऑलमोस्ट एवरीडे ट्रेड दे ही देगा ऑलमोस्ट। ओके, तो ये एक मैंने छोटा सा बैक टेस्ट किया था ऑन द पीडीएच एंड पीडीएल वाला ओनली, जो फर्स्ट सिस्टम है उसी का। तो ये 18 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक का है, अरे 12 जैन तक का है। तो दीज आर 40 ट्रेडिंग डेज। सबसे पहले एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें, आप देख लो, ये विनर्स अपने 13 विनर्स हैं, 3 लूजर्स एंड 2 स्क्रैच ट्रेड्स हुए। सो दिस इज 18 18 डेज यू हैव ट्रेडेड आउट ऑफ 40 डेज। सो डिसिप्लिन यहाँ ही आपकी दिखती है, कि जिस दिन सेटअप नहीं हुआ ट्रिगर, उस दिन आपको ट्रेड लेना ही नहीं। सो ये सबसे पहला डिसिप्लिन आपको यहाँ पे टेस्ट होता है, कि अगर आपका सेटअप ट्रिगर नहीं होता है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। सो फ्रॉम 40 डेज, इफ यू आर ट्रेडिंग ओनली 18 डेज, सो ये आपका सबसे पहला एक ऑब्स्टेकल है, जो एज अ ट्रेडर, इफ यू कैन मैनेज टू डू दिस, दिस इज योर गोल्ड मेडल एज फार एज डिसिप्लिन इज कंसर्न। ओके, और यहाँ पे कैसे कही है, देर आर 4 कॉलम्स, वन इज स्टॉप लॉस, 1 RR स्टॉप लॉस एंड 2 RR इसके लिए है, बिकॉज एज सून एज 1 RR मिल जाता है, योर स्टॉप लॉस देन इज एट योर कॉस्ट, और 2 RR मिल गया है, तो आपका पूरा ट्रेड क्लोज हो गया है। ठीक है, सो ऑल दीज 4 ग्रीन बॉक्सेस इफ यू सी, तो उसमें समझना है कि यहाँ पे 2 RR मिल गया अपने को। ये 7th को स्टॉप लॉस हिट हो गया था, 13th को स्टॉप लॉस है, 14th को स्क्रैच हो गया था, इट डिड नॉट हिट स्टॉप लॉस, नाइदर डिड इट गिव मी द टारगेट। सो दैट्स ऑल्सो, इसी के यही डेट्स के मैंने चार्ट्स थोड़े बताए, वो चार्ट्स मैं आगे बताऊंगा एज टू हाउ इट रियली अनफोल्डेड ड्यूरिंग द डे। श्योर सबसे पहले ट्रेंड चेंज कैसे देखना है दिखा देता हूं। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, ये जो कर्सर दिखा है, कैन यू सी माई कर्सर? या ओके, सो ये 16th है, ये 17th को आपको दिख रहा है कि 16th के लो से नीचे बंद किया है मार्केट। या सो 17th इज माय ट्रेंड चेंज डे। ओके, सो 17th को मेरे को पता चल गया ट्रेंड चेंज हो गया है, तो 18th को मेरे को खाली शॉर्ट ट्रेड ढूंढना है मार्केट, ओके और शॉर्ट ट्रेड में कहां ढूंढूंगा, आइदर एट प्रीवियस डे हाई और एट प्रीवियस डे लो, ओके बीच में कुछ नहीं करना है। ओके okay? ओके सी दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द 16th नवंबर का रेंज है, और ये 17th है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस डे लो है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, ओके राइट? सो 18th को वी आर लुकिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, दिस इज व्हाट 18th लुक लाइक। यहाँ से ओपन हुआ है इन द मिडल ऑफ द रेंज, कुछ भी नहीं कर, स्ट्रेट इट गोज टू प्रीवियस डे लो, यहाँ से बाउंस होता है। यहाँ पे दो जगह आप ट्रेड ले सकते हो, या तो ये बाउंस होकर वापिस थोड़ा यहाँ पे ले सकते हो, या तो आप वेट कर लो कि उसके नीचे थोड़ी देर ट्रेडिंग हो जाए, ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है, देन अगेन इट गोस, सो आप यहां पे भी ट्रेड ले सकते हो।
ठीक है, सो आई जनरली वुड प्रेफर टू टेक अ ट्रेड ओनली ऑन द कंटिन्यूएशन यार। ये कैंडल जो है क्या साइज का है? ये कैंडल 5 मिनट कौन का है सा? क्या? ये 3 मिनट के ऊपर ट्रेड करता हूं। 3 मिनट के ऊपर ट्रेड कर, ओके। हाँ और जी, या आप ठीक है, क्या कैंडल क्लोज करने का वेट करते हैं क्या? ये लेवल टूटते में ले लेता हूं। इफ आई ओके एम वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सो मच टाइम ना कि ट्रेडिंग हुआ है, तो ये तोड़ते ही ले लेता हूँ। अदरवाइज पुल बैक पे भी मैं ट्रेड करता हूँ कई बार, बिकॉज पुल बैक के ऊपर आपको सबसे छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। बट वो सब अभी छोड़ दो, आप खाली कंटिन्यूएशन पे ही लेना। ओके सो दिस इज योर एंट्री और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है, गॉट इट। ठीक है। सो ये 1 RR है, यहाँ पे मैंने ओके आधा बुक कर लिया, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहां से यहां आ जाता है, ओके और ये 2 RR। ओके, सो एट 11:15 माई डे इज ओवर। फिर ज्यादा नहीं करना इस पे, फिर अगेन यू जस्ट वेट कि अगर प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई पे आएगा तो ही आपको ट्रेड कर। ओके ओके ये आप आजकल में कोई इस तरह का ट्रेड देखे? हाँ, कल कल था, कल का है, सो वी विल लुक एट दैट ऑल्सो। ओके 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 कल दिया था, मेरा एक चैनल पे भी दिया था मैंने, सो वी विल हैव अ लुक एट दैट। ओके आज का भी हुआ है अभी ट्रिगर, पर अभी आई डोंट नो कैसा चल रहा है, वी विल हैव अ लुक एट इट लेटर। ओके 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 सो नाउ सी, 24th इज अ ट्रेंड चेंज डे अगेन। ये 23rd का रेंज दिखता है आपको, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ नेक्स्ट डे। हाँ सो ये ट्रेंड चेंज हो गया टुवर्ड्स द लॉन्ग साइड नाउ। ओके तो अब ये दिन के बाद, 24th के बाद, मैं खाली लॉन्ग ट्रेड्स ही ढूंढूंगा, वो भी श्योर यही दो श्योर लेवल पे, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पे। सो ये है नेक्स्ट डे का चार्ट, ये प्रीवियस डे लो से चालू होता है। यहाँ पे वी डोंट गेट एनी सेटअप बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट ड्राइव अपवर्ड्स। ओके यहाँ पे आके सम लो सेलिंग लो प्रेशर पे इज क्यों नहीं सीन, लिया आपने? लो पे क्यों नहीं लिया? ये डायरेक्ट है, ये सीधा मूव में मैं कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ। डायरेक्ट ओके ब्रेकआउट बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। बट वो लो के पास अगर खुला है और आपने ट्रेंड चेंज बोली दिया है तेजी की तरफ, तो लो पे हम ले सकते हैं ना, अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, पर मेरे को यहाँ दिखता नहीं है कंटिन्यूशन चलेगा कि सीधा रिवर्स हो जाएगा, तो कहाँ जाऊंगा मैं। ओके यहाँ पे मेरे को क्या है कि व्हेन दिस यू नो ये वाला जो मूव आता है ना आफ्टर द ब्रेक, और फिर यहाँ से वापस चालू होता है, तो मेरे को हाँ एक जगह मिल जाती है मेरा स्टॉप लॉस रखने के लिए। हाँ करेक्ट, यहाँ पे मेरे पास नहीं है वो जगह। हाँ आई कैन आइदर कीप इट एट द बॉटम ऑफ दिस कैंडल, बट देन दिस इज टू बिग, ओके एंड टेक्निकली मैं ना 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं लेता हूं। फर्स्ट 15 मिनट्स थोड़ा वोलेटाइल होता है, ओके तो 9:30 तक आई विल नॉट टेक अ ट्रेड। सो यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल पे मेरे को एंट्री मिलती है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 1 RR मिलता है और मेरा कॉस्ट पे आ जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेरे को 2nd RR मिलता है और मेरा दिन खत्म है। ओके ओके दिस इज अगेन ऑन 29th, यहाँ पे वापिस से विद इन द रेंज ओपन हो रहा है, इट गोज एंड ट्राइज टू ब्रेक द प्रीवियस डे हाई, रिवर्स आता है, देन अगेन इट पिक्स अप स्पीड। आपको ये कंटिन्यूएशन होता है तभी आपको ट्रेड लेनी है, बिकॉज एटलीस्ट यू नो यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। मतलब ब्रेकआउट पे होना चाहिए। हाँ, ब्रेकआउट पे लेना है आपको, ओके और एक स्टॉप लॉस का लेवल अगर ढूंढना है आपको, तो ये आपको चार्ट ही बताता है स्टॉप लॉस का लेवल। सो यू यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस हियर, यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ पे 1 RR मिल जाता है, फिर पूरे दिन इट गोज नोवेयर, यहाँ पे आपको 2 RR दे देता है, तो आपका दिन हो गया खत्म। ये देखने में थोड़ा इजी लगता है, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा। हाँ बराबर ओके, हियर इट इज, देयर आर टू ट्रेड सेटअप्स ओवर हियर, ठीक है। ये प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे अभी वी आर स्टिल लुकिंग एट अ लॉन्ग ट्रेड ओनली। ये ऐसा इट ब्रेक्स द प्रीवियस डे हाई, बट इट गोज नो, इट डजंट गेट एक्सेप्टेड ओवर ना, ऊपर मेरे को वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है, मूवमेंट भी नहीं आ रही है। सो आइदर करेक्ट यहाँ पे एक लॉन्ग ले सकते हो, और अगर आप वेट करते हो कि नहीं ये ब्रेक होगा उसके बाद मेरे को एक अच्छा स्टॉप लॉस का लेवल मिलेगा उसके बाद मैं लूंगा, अगर आपने यहाँ पे लिया है या यहाँ पे लिया, दोनों में आपको उसने 2 RR दे दिया। समझ गया। आइडियली क्या बोथ करना द चाहिए? ट्रेड्स ब्रेक इज, करने के बाद एक रेंज बनने का कोशिश वेट करना चाहिए ना, हाँ, एक्सेप्टेंस चेक करना है, बिकॉज प्रीवियस राइट डे को लेवल को तोड़ दिया, उसके ऊपर प्राइस एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। राइट राइट ये है स्टॉप लॉस हिट डे, ठीक है। नाउ 7th December है, सो बेसिकली ना ये ट्रेंड चेंज हुआ होगा। लेट अस गो बैक टू द शीट।
7 दिसंबर, ओके ओके, यहाँ पे देखो सेकंड को ट्रेंड चेंज टू डाउन हो गया, ओके सो सेकंड के बाद नो ट्रेड नो ट्रेड, सेवंथ को वी आर लुकिंग एट अ शॉर्ट ट्रेड, ओके ये रहा। ओके यहाँ पे ब्रेक हुआ सबसे पहले, वापिस ऊपर गया, देन देयर वाज नो कंटिन्यूएशन, सो आई एम नॉट टेकिंग अ ट्रेड हियर। वापिस ब्रेक होता है, वापिस पुल बैक ऊपर चला जाता है, अगेन आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर एंट्री। यहां पे जो ब्रेक होता है ना विवेक, देन व्हेन इट गोज अप, देन आई सी सम कंटिन्यूएशन कमिंग हियर फॉर सेलिंग। तो यहां पे मेरा शॉर्ट मैंने लिया था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, वो अनफॉर्चुनेटली इट हैज टेकन फॉर्चुनेटली राइट, क्योंकि मेरे को यहाँ 1 RR भी नहीं मिला, इसके लिए मेरा ट्रेल भी नहीं हुआ है। आप अनफॉर्चुनेटली बोले ना स्टॉप लॉस, मैं बोलता हूँ फॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया. हाँ व्हाटएवर, एटलीस्ट आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। एग्जैक्टली या नहीं तो ये सब टेंडेंसी आदमी का एवरेजिंग करने का होता ही है. यस। सो ये समझने का ये है कि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये इतना हाँ बड़ा रेड मूव आया है नीचे, हाँ ये सब में हाँ हाथ ही नहीं डालना है। हाँ बराबर है. नॉर्मली दीज आर द प्लेसेस वेयर पीपल जंप इन एंड दिस इज वेयर दे गेट हर्ट द मोस्ट। ओके, ये एनी क्वेश्चन यार बिफोर वी गो टू दी ना ट्रेंड ना कंटिन्यूएशन कंसोलिडेशन वाला? हाँ, नहीं, अब मेरे को आप 1-2 दिन का अगर दिखा पाएंगे तो हाँ, सो हाँ जस्ट अ लाइव. मिनट, आई हैव टू शेयर दी करंट चार्ट, राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो ये 23rd, सो टुडे वी आर ऑन द 24th, सो 23rd को एक ट्रेड आया था, सो 23rd के लिए मेरे को 22nd का प्रीवियस डे लो है ये। ओके okay? और और ट्रेंड ये क्या था चल रहा था उसका 21-22 में? ट्रेंड तो आई थिंक छोटा सा अप ट्रेंड शॉर्ट ही चल रहा था, है, शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट शॉर्ट चल ही. रहा है, ओके शॉर्ट चल रहा है, सो वो भी देख लेते हैं 1 सेकंड। हाँ, उसको हमको डेली चार्ट में देखना है ना. हाँ, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी ऑन डेली ठीक ठीक चार्ट, सो लेट्स गो एट द एंड, सी ओवर हियर ये वाला कैंडल है, हाँ वो इसके नीचे क्लोज आया है, हाँ सो यहाँ ये कैंडल के बाद इसके हाई के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं है, हाँ बरोबर है. सो मेरे को फिर भी यहाँ पे शॉर्ट ही ढूंढना है, इवन दो दिस इज अ ग्रीन कैंडल, कलर से कोई लेना देना नहीं है। सो 23rd का ट्रेड देख रहे हैं अपने, राइट, सो ये है, सो 22nd का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे वी विल हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस वाज द हाई, ओके, एंड दिस वाज द लो, ये आपका पूरा यहां से लेके यहां तक है 23rd है ये, 22nd है, राइट, व्हाट एवर, 20th फ्राइडे हाँ का। हाँ सो यहां पे ओपन होता है, हाँ वी आर कुछ नहीं करने लुकिंग का ओनली अभी. फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, ओके ओके राइट, एक तो ये गैप अप है, उसके बाद मूव भी आया है, ओके ओके वी डोंट पार्टिसिपेट इन दिस एट ऑल, बिकॉज अपनी सिस्टम ने बोला है कि शॉर्ट ही करना है, ओके वो यहां मिला मेरे को, नहीं, ये दिस वाला लाइन, कैंडल में मैं कुछ करूंगा. ये जो लाल कैंडल, बड़ा कैंडल जो बना था, या कौन सा, इसमें ये वाला, नहीं, लेफ्ट में थोड़ा सा बीच वाला. हाँ ये वाला. ये हाँ नहीं, ये तो पहला ब्रेक है, ओके उसके नीचे एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर चला गया है, समझ गया, मैं ये तो रिजेक्ट हो गया था, समझ गया समझ गया. राइट, ये तोड़ता है वापस, फिर वापस ये ऊपर जाता है, देन दिस ब्रेक्स इट, सो दिस वाज माय ट्रेड, यहां पे शॉर्ट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ओके यहां मिल गया था मेरे को 1 RR के लिए, ओके 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 मतलब खत्म हो गया, फिर यहां फिर कुछ नहीं करना है गुरुदेव, सुबह हो लेट गया, अस सी उसके बाद में टुडे, अब कुछ नहीं. नहीं वो दूसरी बार अगर आपको यहां पे आके वापस शॉट देगा तो आपको पक्का लेना है, ओके ओके सेटअप जितनी बार ट्रिगर होता है यू हैव टू पुल द ट्रिगर एज वेल। ओके अब आज का देख लेते हैं, ये है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और शॉर्ट ही बिफोर वी रखना स्टार्टेड मुझे. दिस आई टोल्ड, बिफोर वी स्टार्टेड आई टोल्ड यू ट्रिगर हुआ है, राइट, तो देखो यहां ट्रिगर हुआ है, इट्स अ बिग स्टॉप लॉस, ओके, ये रेंज बना रहा है. हाँ बरोबर है. हाँ ये ट्रिगर हुआ यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस रखा हुआ था, ठीक है,
ये मोटा मोटा है 64 एंड 95, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अरे बाप रे बाप, ठीक है, उसके बाद ये जाता है यहां तक, इट डजेंट गो। रिमेंबर आई स्पोक टू यू, मैंने बोला था कि शायद स्टॉप लॉस हिट कर गया है, हाँ, बट नहीं किया, इट इज अगेन बैक। ओके, तो ये आपको 1 RR कब देगा, 30 पॉइंट, यानी कि 35 है यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट ऑफ 1 RR। हाँ तो इफ द मार्केट कम्स हियर, यू हैव टू बुक हाफ योर पोजिशंस, देन यू विल ब्रिंग योर स्टॉप लॉस डाउन टू दिस लेवल। बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना वोलेटिलिटी तो मार्केट में इंट्राडे है नहीं अभी, तो पूरा ही बुक कर लिया जाए। हाँ नहीं, नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग के यू नो द सिस्टम विल वर्क इट्स ओन वे। राइट अगर राइट, वो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप मत लीजिए, दैट्स ओके। या सो सर, ये यशराज जी, बेसिकली जो आदमी कुछ और काम में लगा हुआ है, ऐसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, कोई भी दूसरा काम में लगा हुआ है, जनरली मैंने देखा है 11 साढ़े 11 बजे के बाद सबका कपड़ा कपड़ा बाजार हो गया है, सब 11 साढ़े 11 के बाद काम चालू होता है सबका। हाँ तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए ठीक है कि 9 साढ़े 9 से मार्केट देखे और मोटा मोटी 11 तक तो स्क्वायर अप हो ही जाता है ट्रेड। नहीं, आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। हाँ आपके पास ऑलरेडी पता है आपको कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप है या डाउन है, ठीक है। हाँ अब आपको लेना है ट्रेड दो ही जगह पे, वो भी आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज वो प्रीवियस डे का लेवल है आपके पास। हाँ हाँ उसके आजू बाजू का अलर्ट रख दो ना, अच्छा कि अच्छा प्राइस वहां पे आएगा फिर आपको अलर्ट देगा, वही टाइम पे आप चार्ट देखो, ठीक है, तो अलर्ट बाकी उसको बीच में बेसिकली जो करना है करने दो। ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट आप सेट कर सकते हैं, वो जो हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हाँ राइट उसके क्लिक आजू करके बाजू का भी अलर्ट, एक अलर्ट बार सेट आप कर दो। दिखा दीजिए ना अलर्ट कैसे सेट होता है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी सही हो जाएगा। मैं तो कभी करता नहीं हूँ सर, सो आई अच्छा, डोंट रियली क्योंकि आप नो। तो स्क्रीन पे ही है, बट हाँ बिकॉज आई एम सिटिंग, मैं हेल्प कर देता मैं तो हूँ। वो राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक कोई भी चार्ट पे हियर कहीं पर भी रख के राइट क्लिक, ये नीचे में देखें यहाँ पे ऐड अलर्ट, सेटिंग। हाँ ऐड ये अलर्ट, रहा ये रहा हाँ ये रहा, बराबर, ओके गॉट इट। सो हियर यू कैन डू डू दैट, हाँ राइट, आप अलर्ट सेट कर दिए तो अपने आप आपके पास कंडीशन ईमेल कर में आ सकते हैं, जाएगा। ओके क्रॉसिंग, हाँ क्रॉसिंग अप डाउन या एंटरिंग या व्हाटएवर। हाँ हाँ, ओके, सो यहाँ क्रिएट हो जाएगा, दैट्स राइट। देखिए मैंने आपको सिखा दिया थैंक यू सो मच। ये। तो और अपना क्या है कि वो जब डायरेक्ट ब्रेक होता है तब तो एंटर करना नहीं है, हाँ, तो वो अलर्ट आता है तो भी जल्दी नहीं है कोई। सही बात है, अपने आराम से करो ना, क्या हड़बड़ी है। हाँ बिकॉज ये ब्रेक हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स, 6 × 3 हाँ 18 मिनट। और ये ट्रेंड पकड़ने के लिए मैं आपको बताता हूं कि खाली दो ट्रेंड आप हायर चेक करा करो, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। सो मैं 3 मिनट्स पे करता हूँ, हाँ सो मैं खाली आवरली एंड डेली ही देखता हूँ, वीकली मंथली फिर इंट्राडे के लिए नहीं देखता, हाँ इट डजेंट मेक सेंस बेसिकली, बिकॉज ओके यू आर ओनली प्लेइंग फॉर योर 20 30 40 पॉइंट्स, वॉट एवर इट इज, राइट। सो आप अलर्ट फिक्स कर दो, जब भी वो आएगा ट्रिगर होगा तो दैट्स द टाइम यू ओपन द चार्ट एंड सी। फेयर इनफ, उसमें भी फिर आप रख सकते हो ना, ये लेवल है यहाँ ऊपर गया है, वो फिर यू नो के इसके नीचे जाएगा तो ही मेरे को शॉर्ट करना है, तो आप स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर डाल दो सिस्टम में, कि इसके नीचे जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा। सो समझ गया उसका सर, भी आपको अलर्ट तो आएगा ही, उसका अलर्ट आता ही है, एज सून एज यू गेट एन अलर्ट के मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, तो आप जाके स्टॉप लॉस डाल दीजिए। सो यू मतलब कैन डू दिस पैसिव इफ यू, ट्रेडिंग, एक तरीके का पैसिव ट्रेडिंग ही है ये, कोई बहुत ज्यादा इसके हाँ अंदर यस में, यस यस। बट और मैंने इसको देख आपको के जैसे बताया ऑप्शंस में ना ट्रेड, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग का काम कर सकता हूँ। सर, मैं तीनों चीज करता हूँ, मैं फ्यूचर बाय भी करता हूँ, अच्छा, सेल भी करता हूँ, ऑप्शन बाय सेल भी करता हूँ, दोनों करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ओके सो यहाँ ओके, पे बेसिकली, बट जो भी मेरा डिसीशन होता है ना, वो फ्यूचर का चार्ट या स्पॉट का चार्ट देख के ही करता हूँ मैं। सो इवन इफ आई एम बाइंग और सेलिंग ऑप्शन, मैं ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता। समझ गया। और यह सो फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं, स्पॉट का नहीं देख रहे हैं। ये फ्यूचर का है, बट मैं स्पॉट भी देखता हूँ, ये दोनों चार्ट लगे रहते हैं मेरे ऑल द टाइम। करना किसको देख के है, आप कोई से भी कर लो सर, लेकिन कंसिस्टेंटली उसी को देख के करो। फ्यूचर से कर लो, बिकॉज ये फ्यूचर के दिखाए मैंने सारे एग्जांपल्स, ठीक है जी, एज अ होमवर्क पीपल कैन सी के वही चीज स्पॉट में हो रही है कि नहीं, तो उतना प्राइस एक्शन जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये तो था रियल टाइम जो आप पूछ रहे थे, सो इसको स्टॉप शेयर कर दूं, कैन गो हाँ बैक टू जी, दी। हाँ, अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपल स्ट्रैटेजी, मॉर्निंग मार्केट स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं इसको। इट इज सिंपल, यू नो एक्चुअली सिंपल सर,
सिंपल तो सब कुछ है, डिसिप्लिन चाहिए सर। यही तो सबसे कॉम्प्लेक्स काम है, डिसिप्लिन, है ना दोस्तों। अगर पसंद आ रहा हो यशराज जी का ये कंटेंट, नॉलेज, तो साथ साथ में वीडियो में लाइक करते रहिएगा ताकि यूट्यूब को भी लगे कि आपको पसंद आ रहा है। ओके, आपको ये 7 दिसंबर की स्लाइड दिख रही है अभी? हाँ दिख गई है। ठीक है, जहां पे अपना स्टॉप लॉस हिट हाँ हाँ ये तो अपने बात किए थे, ना कभी मार्केट को थोड़ा देना भी पड़ता है। अब मार्केट को मंदिर देना, जाते हो तो पैसा चढ़ा के आते हो ना भगवान, पैसा है। बरोबर है। ओके, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कंसोलिडेशन एंड कंटिन्यूशन ट्रेड, इसको मैं टीसीसी दे बोलता हूँ ओके ना। व्हाट हैपेंस इसके, यहाँ पे आप देखो ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, जी दिस वाज द लास्ट डे का क्लोज, ठीक है। जी उसके बाद गैप डाउन हुआ है एंड स्ट्रेट अवे यू विल सी वन साइड का मूवमेंट आएगा, जी या आपका होगा या डाउन साइड आएगा। आफ्टर दैट आई वॉन्ट इट टू गो इन टू अ मिनिमम 2 2.5 आवर का रेंज, मिनिमम। ओके 2 घंटे से या 2.5 घंटे से छोटा रेंज है तो मैं नहीं ट्रेड करता उसको, ओके ये रूल है इसका। ओके एंड आफ्टर दैट व्हेन इट ब्रेक्स ऑन द साइड ऑफ द रेंज, आप यहां पे एंट्री ले सकते हो। ओके और आप 6 महीना अगर प्राइस एक्शन स्टडी करोगे, देन यू विल स्टार्ट टेकिंग ट्रेड्स एट द हायर एंड ऑफ द रेंज एज वेल, या यहाँ पे शॉर्ट करोगे आप। वो ओके, हिम्मत चाहिए उसके लिए। एंड यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, रेंज के अंदर का यहाँ का स्टॉप लॉस रख दो या कुछ भी कर दो। तो आप देखो ये साइडवेज जाता है बट इट डज नॉट हिट योर स्टॉप लॉस, इट अल्टीमेटली यहाँ पे आपको उसने पैसा दे ही दिया, ट्रू राइट। और जितनी लंबी रेंज होती है ना उतना अच्छा ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है। तो आप ये 3 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और आप बोल मैं रहे हैं दो इंटरडे में घंटे ओनली 3 मिनट ही देखता हूँ सर, तो 2 घंटे का बिकॉज 1 मिनट कंसोलिडेशन बिकम्स टू फास्ट फॉर मी, एंड 5 मिनट से मैं 3 मिनट्स आई एम यूज टू लुकिंग एट 3 मिनट्स। तो 120 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 40 कैंडल का कंसोलिडेशन होना चाहिए मोटा मोटी। हाँ चाहिए, ठीक पर उसके पहले एक साइड का मूव चाहिए, दिस मूव इज रिक्वायर्ड अच्छा, हाँ मतलब आइदर अप और डाउन। हाँ समझ गया मैं, वो तो होगा ही ना सर, नहीं तो कंसोलिडेशन कई तो बार बड़ा क्या मूव है के कि बाद ही आएगा ना सर। नहीं, पर सपोजिंग अगर वो इनसाइड डे जिस दिन बनता है उस दिन वो हाँ अंदर ही अंदर रहता है, वो टाइम नहीं बिल्कुल, करना है इसको ट्रेड। हाँ समझ गया समझ गया। विवेक जी सेटअप्स तो बहुत हैं पर भी ये सब सिंपल वाले हैं, समझा रहा हूं मैं आपको। हाँ नहीं, वो देखिए सिंपल, मैं कहा ना स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के बोल दिया था कि सिंपल थिंग्स वर्क्स, तो अगर यही डिसिप्लिन के साथ आदमी फॉलो कर ले तो अगर सी ये हियर पचास अगेन यू परसेंट सी, एक्यूरेसी भी हो जाएगा तो पैसा तो नेट में बन ही जाएगा। वो 60-65% ही होगा एक्यूरेसी। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट यू, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, मैंने लिख के रखा है पर मैं भूल गया बोलना। हाँ ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें आप समझ के चलना कि 60-65% एक्यूरेसी ही मिलेगी, ओके इससे ज्यादा नहीं मिलती है। अब यहाँ पे आप देखो नाइस प्रॉपर अप ट्रेंड, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, हाँ ये देखो 1 एंड 2 इसने फॉल्स दिया है। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो दोनों पर आपका स्टॉप लॉस गया है, थर्ड टाइम आपको दिया उसने पैसा थोड़ा। सो नेट नेट यू मे नॉट हैव मेड मनी ऑन दिस डे, पर ज्यादा गया भी नहीं। सर ये सब ये चार्ट स्ट्रेटेजीज मैं तो हम एल्गो में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हाँ तो कहने का मतलब है कि आपने पूछा था ना कि कितनी बार ये सेटअप है ना, जितनी बार सेटअप ट्रिगर होगा आपको ट्रेड लेना है। यहाँ 3 बार लिया ट्रेड, ये वाले में तो नहीं लिया है पर यहाँ पे लिया था, क्योंकि यहाँ पे तो जिस दिन जो कैंडल ब्रेक हुआ उसका नेक्स्ट में वापिस आ गया, सो यहाँ पे देर इज नो ट्रेड। बट दिस जस्ट टू टेल यू यहाँ पे ट्रेड हुआ है, ये वाला कैंडल था ना इसने ट्रिगर किया था, वो नीचे ही क्लोज आया है। बट देन अगेन इट हैज ट्रिगर्ड हियर, इट हैज गिवन यू, मीन सेटअप के ऊपर थोड़ा विश्वास रख के उसके साथ ट्रेड कर लो, क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर सेटअप में एंट्री भी मिल रही है, स्टॉप लॉस लेवल भी मिल रहा है। बरोबर है, और अगर आपका पोजीशन साइज आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होगा विवेक जी, तो डर नहीं लगेगा ट्रेड लेने में। पोजीशन साइज बड़ी ले ली तभी आपको डर लगने वाला तो कैपिटल का कितना परसेंटेज ये ट्रेड पे डालना चाहिए रोज? है, 1% पर ट्रेड। 1% खाली लॉस बोल हाँ रहे हैं कि टोटल एक्सपोजर? नहीं लॉस, हाँ सपोजिंग आपका 5 लाख का कैपिटल है तो आपको हाँ एक ट्रेड में 5,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो उसके आप टू हिसाब से परसेंट पांच भी रख सकते हो बट आई एम सेइंग कि 1% पे करो पहले, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस में बड़ा कॉन्फिडेंस
क्वांटिटी लेना है थोड़ा सा या किसमें नहीं लेना है, यू विल स्टार्ट फिगरिंग दैट आउट योरसेल्फ। ओके ये दूसरा है, ये रिलायंस है। ओके okay? ये पूरा दिन वन वे, नेक्स्ट डे ऑल्सो देर इज अज मूव, उसके बाद पूरा दिन ये कंसोलिडेट हुआ है। वो दिन तो नहीं मिला है, नेक्स्ट डे पे ब्रेकअप मिला है। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया था ना, द बिगर द रेंज उतना ही अच्छा ब्रेक मिलता है। तो ये जो ब्रेक, ये जो ट्रेड है ना, इसमें आपको स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करना आता है तो यू कैन मेक रियली गुड मनी दिस। इसमें आप मे बी 1 RR या 2 RR नहीं भी फॉलो करोगे तो भी इसमें पैसा ज्यादा मिलेगा। बट लाइक आई सेड, वन स्टेप एट अ टाइम। अभी आप प्राइमरी में हो, वो सब फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की बातें हैं, तो बाद की बात बाद में, पर पहले यही कर रहा हूं। सो दिस इज अ नाइस ट्रेड। यहां पे भी आप देखो, ये रेंज का जो लो है वहां से रिजेक्ट हुआ है। सो अगर आप, इफ यू आर गुड एट प्राइस एक्शन रीडिंग, तो यू कैन एंटर हियर इटसेल्फ एंड यू कैन ऐड मोर ओवर हियर। तो आपको पहली वाली पोजीशन तो ऑलरेडी प्रॉफिट दे रही है, तो आप यहां पे थोड़ा ज्यादा हिम्मत कर सकते हो। अब ओके, एनी नेक्स्ट इज वीवैप, नहीं नहीं एकदम एनी परफेक्ट है क्वेश्चंस इन सर, दिस वन? परफेक्ट है सर, आगे बढ़ते हैं। वीवैप इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स विल कम। ओके अच्छा, अच्छा वीवैप में कैसा है ना कि सर, काफी आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ पीपल विल हैव वीवैप प्लॉटेड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। या नाउ वीवैप इज समथिंग, इसके अंदर वॉल्यूम का वेटेज है एवरेज हाँ प्राइस में, ठीक है? हाँ सो नाउ यू हैव टू वेट फॉर द वॉल्यूम टू एटलीस्ट हैपन। अदरवाइज ओके बरोबर 5 मिनट में क्या वॉल्यूम का आप वेटेज दे लोगे? है तो मैं ये 10:15 तक इसको डिसेबल करके रखता हूँ मेरे चार्ट्स पे। ओके okay. मैं 10:15 को ही वीवैप चालू करता हूँ, बट 1 घंटे का अगर रेंज। कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन है, सॉरी अगर ये पुराना दिन का सॉरी, कंटिन्यूशन है तो नहीं, मैं 10:15 तक आई विल नॉट स्विच ऑन माय वीवैप ओके ठीक इंडिकेटर ऑन द चार्ट, है क्योंकि फर्स्ट 1 आवर का वॉल्यूम अच्छा रहता है। ओके एंड यू नो दैट फर्स्ट आवर एंड द लास्ट, यू नो, 2:30 बजे के बाद वापस वॉल्यूम आता है। सो ऑन अ नॉर्मल डे बीच में थोड़ा कम ही होता है। सो 1 घंटा हो जाए उसके बाद वीवैप लगाता हूँ। और इसमें दो पैटर्न है ट्रेड करने की। ओके okay? मैं इसके लिए बोलता हूँ ये डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें एक रिवर्सल पैटर्न है, जो इफ यू आर अ न्यू बी ट्रेडर, आप रिवर्सल पैटर्न मत ट्रेड करो। ओके सी द वर्जिन वीवैप होता है, दैट मीन्स वीवैप को प्राइस टच ही नहीं करता है। ओके सो वी डिफाइन दैट एज अ वर्जिन वीवैप। अगर प्राइस एक ही साइड चल रहा है वीवैप के, इट डजंट टच द वीवैप, और उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद इफ इट कम्स क्लोज टू द वीवैप, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो वहां से वो रिजेक्ट होता है सीधा, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा डे हाई या डे लो, जहां पे भी, जहां से वो रिटर्न हुआ है। मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स में, सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन आई एम स्पीकिंग। सो दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। और अगर तो इसने वीवैप को तोड़ दिया और दूसरी साइड एक्सेप्ट हो गया, तो रिवर्स ऑर्डर फ्लो आता है। तो सपोजिंग आपका सुबह से ही मार्केट बुलिश है, तो वीवैप के ऊपर ही है प्राइस, राइट? सो अगर एंड आफ्टर अबाउट से 1:30, 2 o'clock वीवैप के पास आता है, वहां पे दो दो पॉसिबिलिटी होती है। वहां से अगर रिजेक्ट होगा तो वो सीधा डे हाई वापस टच करता है, और अगर उसके नीचे एक्सेप्ट हो गया तो रिवर्स ऑर्डर फ्लो आता है, वहां पे शॉर्ट जनरेट होता है, ठीक है? सो नाउ सी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस, यू नो, ट्रेडिंग अबव द वीवैप, तो पूरा दिन बुलिश है वहां पे। अगर आप शॉर्ट ले रहे हो तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो। सो दैट्स अ रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड ऑलवेज डिफिकल्ट होते हैं, तो ये बाद में ही लेना, ये पहले मत लेना। आप खाली ऑब्जर्व करो 10-15 बार, फिर पता चलेगा, ठीक है? तो मैंने लिखा हुआ है कि ये रिवर्सल ट्रेड है, न्यू बीज शुड नॉट, दे शुड अवॉइड दिस ट्रेड, ओके ओके राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग। यहाँ पे देखो, ये 19th का, यहां से इट हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव यू। अब ये 2-2.5 घंटे के बाद व्हेन इट कम्स, तभी ये लेना है इसको भी। बीच बीच में आएगा तो नहीं लेना है। यू हैव टू लेट सब्सटेंशियल टाइम पास, या टाइम जाना चाहिए वीवैप से दूर ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे टच नहीं हुआ है पर रिजेक्ट हो गया है इसे, तो फर्स्ट टारगेट ये है, ये जो डे हाई था वहां पे जाएगा वो। ओके तो ये आप कंजर्वेटिव टारगेट रख सकते हो कि डे हाई को वापस टेस्ट करेगा, ओके ठीक है? ये तो विद द ट्रेंड वाला ट्रेड हो गया।
ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस इसमें आप वीवैप के नीचे रख सकते हो थोड़ा। ओके, देयर इज अनदर वन, यहाँ पे डाउन मूव है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, ये समझ लो 9:30 बजे के बाद इट हैज नॉट टच द वीवैप एट ऑल। ये सीधा 2 बजे वीवैप के ऊपर जाने का ट्राई किया इसने। यहाँ पे आपका लॉन्ग बन सकता था, पर दिस कैंडल हैज मेड इट वेरी क्लियर कि ये रिजेक्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे अगर शॉर्ट लेते हो तो आपका ये डे लो इज योर फर्स्ट टारगेट, तो आपको ये मूव मिल सकता है। इस पे लेकिन मैं विवाब के ऊपर लॉन्ग ले लेता तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट हुआ है पर ये ऊपर कंटिन्यूएशन नहीं मिल रहा है मेरे को। मतलब उसमें भी मैं विवाब के ऊपर 2-3 कैंडल का वेट कर लूं। हाँ यहाँ बनी भी है, पर यहाँ पे ये वाली जो हाई कैंडल है जहां से वापिस आए उसके ऊपर अगर जाता तो कंटिन्यूएशन मिल जाता, समझ गया। बट इन एनी केस ये वाली कैंडल बाद में आती तो या तो आपको स्टॉप लॉस करवाती या तो आपको शॉर्ट वापस जनरेट कराती है। दिस इज दी रिवर्सल। अब आप समझ लो ये यहां से ओपन हुआ है, दिस वाज एट 15,420, ठीक है, और ये इतना शार्प मूव है ऊपर, इट्स ऑलमोस्ट अ वर्टिकल मूव, और जैसे जैसे पुल बैक आया सीधा ही ऊपर गया वापस। नाउ आफ्टर दिस इफ इट हैज कम बिलो द वी वैप ओवर हियर, यहाँ पे देखो अच्छी तरह से ब्रेक हुआ है, एक्सेप्ट भी हो गया, ऊपर जाने का ट्राई करता है, रिवर्स ऑर्डर आता है, तो यहाँ पे आपको एंट्री लिया तो आपको आराम से ये देगा। सी व्हाट हैपेंस इज ना, यहाँ सुबह से सभी लोग बुलिश होंगे, लुक एट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे 2 बज गए सपोजिंग, अगर मार्केट के 2:30 बज गए हैं, दैट मीन्स इंट्राडे ट्रेडर्स के पास तो फिर 1 ही घंटा है ना ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप लॉन्ग हो कोई भी लेवल पे, यहाँ पे लॉन्ग हो, यहाँ पे लॉन्ग किए हो, कहीं पे भी लॉन्ग किए हो, आप यहाँ पे तो फंस ही गए हो, आप तो निकलना ही पड़ेगा यहाँ पे। दैट्स व्हाई यू विल सी हाई वॉल्यूम आल्सो कमिंग यहाँ सब, बिकॉज पीपल, आपने यहाँ पे भी खरीदा है तो भी आप यहाँ पे, आपका प्रॉफिट तो गया ही है ना, यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखा है, बुक नहीं किया है इनकेस, यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट चला गया है, हाँ तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी एक बार बोलोगे कि मैं निकल रहा हूं। सो ये जितना लेट टूटता है ना उतना ही जोर से गिरता है वापस, बिकॉज यू नो दैट 3:15, 3:20 को ऑटोमेटिक स्क्वेयर ऑफ चालू हो जाता है सब, यू ऑल्सो स्टार्ट एग्जिटिंग। ट्रू। हियर इज अनदर वन, ठीक है, यहां पे आके गया, ये एक्सेप्ट हो गया, यहां पे जाने का ट्राई किया है उसने, कम डाउन। नाउ अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज टू टू लेट इन द डे, यहाँ पे उसको जगह टाइम नहीं मिला गिरने का, हाँ बट दिखाने का मतलब है कि अगर तो ऐसा मोमेंटम है ना पूरे दिन का, और अगर वो ऑपोजिट साइड आ गया तो आपको समझ लेना है मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट, और ये लोग एग्जिट करने निकलेंगे, इंट्राडे ट्रेडर्स हमारे जैसे जो होते हैं, जो अगर ट्रेल स्टॉप लॉस कर रहे हैं या बुक नहीं किया ग्रीड में, वो सबको फिर यहां पे निकलना ही पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर यू इन द मार्केट। सो ये दो एग्जांपल्स बियॉन्ड द वीवैप के दिए, दो एग्जांपल्स अलोंग विद द वीवैप के दिए, सर और आज का ये चार्ट डिफिकल्ट खोले है, मैं ना। अगेन अगेन बोल रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई नो इसको आई नो, शांति से, इसको थोड़ा और डीप स्टडी करना पड़ेगा। एक्चुअली एक हाँ मैंने इसको फेस टू शांति फेस से किया करना। था, एक वीवैप ट्रेडर है उनके साथ में किया था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्वीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड ही प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। सी प्राइस एक्शन इज नथिंग बट साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, हाँ तो आपको देखना है कि कहाँ फंसे हैं लोग, और वो लोग हाँ भागेंगे ना, उसी में आपको पैसा बनाना है। मींस कि सही अगर आप तो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, दैट मीन्स आप फंस ही रहे हो मार्केट में, बराबर है। तो आपको थोड़ा सा द अदर साइड ऑफ द फेंस जाने की ट्राई करनी, आपको संबंध पता लगाना है कि कहाँ पे फंसेंगे लोग, करेक्ट है, वो उनके फियर में आपको थोड़ा पैसा बना लेना। मतलब किसी और का मिजरी में आपका प्रॉफिट है। हाँ यू वो मे नॉट यस, लाइक इट बट दैट्स हाउ इट इज। यू हैव टू गो, यू हैव टू क्रॉस द फेंस, राइट, अदरवाइज आप वो अच्छा 95% पे रहोगे, हाँ 5% वाले आपका ही पैसा लेंगे। बरोबर। एक बार आज का वीवैप दिखाइए ना दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो रखी है, पार्डन कर दीजिएगा ये सब नॉइज। ये देखिए आज का विवाह, हाँ अच्छा, देखो अपने को मिल गया 1 RR,
ये वाले हाँ ट्रेड का, पीडीएच हाँ पीडीएल वाला, आई हाँ हाँ टोल्ड उसका तो यू मिल गया, बराबर है 65 से ये 35 आ गया बराबर है, सही ऑलमोस्ट। सही है सो सही है। अभी आई वुड बी एट अ जीरो रिस्क ट्रेड। हाँ सो वन मोर ग्रीन टिक फॉर द सिस्टम। और मैं वीवैप का एक बार वो एक बार मैं अपने हिसाब से डालता हूँ, जो समझा मैंने कि सबसे हाँ एक जी, तो शुरू में 11 बजे वीवैप जो बन रहा है उसको मैं अटेंशन नहीं दूंगा, तो मैं वेट सवा दस करूंगा तक, 1 घंटा, 1 घंटे का। 1 घंटा। चलिए तो 11 बजे जो वीवैप के नीचे गया वो, क्योंकि अपने को शॉर्ट साइड ही रहना है, मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट ही था, तो 11 बजे के नीचे जो गया वो कैंडल उसका लो के नीचे बेच सकते हैं क्या? ये वाला राइट साइड, थोड़ा राइट ये सर, वाला, राइट 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 सर, ये ये वाला वाला, सर, थोड़ा लेफ्ट हाँ नीचे वाला एकदम सर, थोड़ा लेफ्ट, हाँ ये दिस वन, वाला, हाँ 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 बेच सकते। इसके नीचे अपने बेचते हैं, ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ ये एक्चुअली ये दूसरा पैटर्न है, वेरी इंटरेस्टिंग यू कॉट दिस। ये एम हाँ पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, हाँ ये सब गुड पैटर्न, बट लाइक आई सेड मैं सारी पैटर्न तो नहीं बता पाऊंगा एक दिन हाँ में। हाँ 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 तो है, बट वो वीवैप कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो वाला कैंडल का लो जो है उसके नीचे अपने बेच सकते हैं, तो एक बार उसमें लाइन ड्रॉ बेच सकते हैं, करके देखो। पर वीवैप वाला ट्रेड मैं लूंगा ही नहीं आज। क्यों? देखो 2 2 2.5 घंटा वीवैप के एक ही साइड चाहिए मार्केट, हाँ तो मिल जाएगा ना सर, कहाँ मिला? देखो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे 2 बार टच कर गया, फिर खत्म हो गई बात। तो सर एक बार मतलब ये वाला जो एम है जो नीचे वाला है, हाँ ये हाँ इसके नीचे जाएगा तो एक बार ट्राई नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं, आपका ट्रेड परफेक्ट है, यहाँ पे आप शॉर्ट करके इधर आप रख दो स्टॉप हाँ लॉस, वही मैं कह रहा हूं, बट मेरा जो वीवैप का सेटअप है वो नहीं बन रहा है आज कैसे बताइए। मेरे। आप देखो ना, वीवैप मेरे को प्राइस हैज टू बी क्लियरली ऑन द अदर साइड ऑफ वीवैप, वो उसके 2 बार टच कर गया यहाँ पे। तो 2 बार ऊपर गया तो इसका मतलब अपने को आज छोड़ देना है। नहीं, मेरे को तो वीवैप टच ही नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए ओ मेरे को तो, वीवैप के एक ही साइड चाहिए मार्केट फॉर 2 2.5 आवर्स, ओनली देन। ओ ये दिन में कभी, वो तो ट्रेड मिलेगा ही नहीं फिर, कितना ट्रेड मिलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट है। लाइक ये है ना, ये वाला दिन दिख रहा है आपको, हाँ ये एक ही साइड रहा है। अगर ये यहां पे नीचे आ गया होता फिर मैं लेता। तब सो तो इफ ट्रेड आई नहीं टेल है, यू के तो इसका मतलब यशराज जी वीवैप बंदे भाई, को दो हाँ जी तीन स्ट्रैटेजी को लाइव रखना पड़ेगा, कोई दिन कोई आएगा कोई दिन कोई आएगा, है ना? हाँ, इसलिए तो 3 बताई मैं, पर हाँ 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 एक चीज बताना जरूरी है कि वीवैप का थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, बिकॉज हाँ एवरी टाइम इट कम्स टू द वीवैप यू कैन नॉट ट्रेड इट विवेक, तो बहुत पैसा ले लेगा आपसे। वो कंफर्मेशन का वेट करना है। हाँ वो वीवैप की अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको देखना ही है कि वीवैप टच होना ही नहीं चाहिए मेजोरिटी ऑफ द डे के लिए, उसके बाद टच होगा फिर ही लेना है। प्रीवियस तो है, प्रीवियस दिनों पे तो आपको क्लियर है, समझ गया सर, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस है, प्रीवियस दे लो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर नॉन प्रॉफिटेबल हो, नए हो, तो वही करो, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट। अब ये आज का ये प्राइस एक्शन देख के तो लग रहा है ये 2 RR भी दे देगा, हाँ बराबर है। और रेंज का है ना, रेंज का एक रूल रहता है, आप रेंज को फॉलो करेगा मार्केट ऑलवेज, प्राइस या ये ऊपर ट्रेड किया अगर नीचे आ गया ना, फिर ये रेंज का ही रूल्स फॉलो करेगा। चांसेस आर के ये रेंज लो तक जाएगा, चांसेस है 60%, अगेन लाइक आई सेड, पर वो प्राइस एक्शन आप पढ़ोगे समझोगे उसके बाद आता है सर। सो देर इज नो शॉर्टकट, धीरे धीरे करो, बिकॉज ये सारे के सारे जो ट्रेड्स बताए मैंने ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही है। आपने देखा है, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ एक्सेप्ट फॉर वीवैप, वो भी मैं 10:15 बजे के बाद चालू करता हूँ। enough. सो विल गो बैक टू दी प्रेजेंटेशन। हाँ जी दोस्तों, बस 5 मिनट और बिफोर वी से गुड बाय टू हिम, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सर। कैन यू सी द स्क्रीन? या सी यहाँ पे देखा ना, ये वीवा का ना, ये टच नहीं होना चाहिए पूरे दिन में, या 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 इट हैज टू ट्रेड ऑन वन साइड ओनली। सी ये वाला समझ के समझ के, 2 3 बार टच कर गया फिर इट डजेंट, बिकॉज वो वीवा का इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज प्राइस बार बार उसको टच कर रहा है। सही है। डिस्कशन पॉइंट्स थोड़े से रखें, बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेम्बर अपना डिस्कशन लंबा हो गया था, चार्ट्स कम हो गए थे, सो ये मैंने लास्ट में हाँ लगाई ये स्लाइड, हाँ ठीक है। तो प्रीवियस से हाई और प्रीवियस से लो पे ही कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो 100 दिन तक आप यही करिए प्लीज।
बाकी आप देखिए, वीवैप के ट्रेड्स भी देख लो, लिख लो पेपर पे, कंटिन्यूएशन वाले भी देख लो, और फोकस वही है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो फिश के जैसे आपको यहां से निकल के यहां जाना है। पूरी दुनिया यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नॉट इन द 95%। ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू ओनली बिग बाउल। सो आपको सबसे पहले तो ये प्राइमरी में से सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचना है बिफोर यू गेट इन टू द बिग MTM काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ओके। और एक ये विनिंग साइकोलॉजी है, मैं बहुत मानता हूँ इसमें, इट हैज हेल्प मी नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, इन लॉट ऑफ अदर एरियाज ऑफ माई लाइफ। पर इसके ऊपर मार्क मिनर्वी ने एक बुक भी लिखी है विनिंग साइकोलॉजी की, राइट? आप यू हैव इंटरव्यूड हिम ऑल्सो, यू नो, ये विनिंग साइकोलॉजी लेनी बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो दैट यू आर गेटिंग इन द मार्केट टू मेक मनी, और आपको लेना है वहां से, एक प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो एक एक हाई है, रनर्स हाई बोलते हैं उसको, यू नो, व्हेन अ पर्सन रन्स फॉर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, वो योर ब्रेन रिलीजेस डोपामाइन और व्हाटएवर दैट हैप्पीनेस केमिकल व्हिच मेक्स यू रन इवन फास्टर एंड मोर। और जैसे ही आप प्रोग्रेस करोगे ना प्राइस एक्शन स्टडी करने के लिए, तो आपको जैसे आपने अभी बताया वो एम पैटर्न हो गया, राइट? वी पैटर्न है, डब्ल्यू है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल्स है, दीज आर अमेजिंग पैटर्न्स टू ट्रेड। बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं इसमें, पर आप वो धीरे धीरे करो, यू नो, टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत बड़ा है, और फिर एंड में तो आप, यू नो, वे यू विल स्विम विद द बिग फिश, जिसको मैं बोलता हूँ, वो खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देखते हैं, दोनों साइड के ऑप्शन सेलिंग करके बैठते हैं, राइट? एंड दे विल मूव ओनली व्हेन द लेवल्स आर ब्रीच्ड। सेल्फ स्टडी है, ट्रेनिंग है, मेंटरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? ये मैंने ना बहुत सोच समझ के ये लास्ट में पॉइंट डाला है, बिकॉज आई बिलीव आपको, आपका अगर लर्निंग कर्व शॉर्ट करना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। टाइम मिलता है तो सेल्फ स्टडी कर लो, ट्रेनिंग अटेंड कर लो, मेंटरिंग जो करना करो, आपको कहीं से अगर शॉर्ट करना है आपका लर्निंग कर्व, सो यू विल हैव टू गो। अब आप क्या चूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके? बिकॉज देर इज सो मच ऑफ नॉइज अराउंड ट्रेनिंग मेंटरिंग ऑन सोशल मीडिया। मेरा पर्सनल टेक बहुत अलग है विवेक जी, इस चीज को लेके, यू नो, आई हैव बीन इन द मार्केट, मैं तो ये बोलता हूँ मेरे को खाली 25 ही साल हुए मार्केट में, तो मेरे को कुछ भी नहीं आता है, समझ लो। आई स्टिल डोंट नो द मार्केट, एंड यू विल बी सरप्राइज कि मैं हर साल कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करता ही हूँ। आई इन्वेस्ट दैट मनी इन टू माई सेल्फ, इनफैक्ट मैंने आपके भी कोर्स अटेंड किए हुए हैं। अच्छा, आई विल टेल यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, मैंने वो ये वाला किया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला, यू हाँ ऑल्सो, आपके एनालिसिस में भी आप यूज करते हो उसको, हाँ 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 आई हैव सीन दैट, ओके? तो मैंने परचेस किया, पूरा कोर्स देख लिया, अब मेरे सेटअप में मेरे को नहीं काम किया तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, बट दैट डजंट मीन कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काम नहीं करता है। हाँ सही बात है। सो मैं कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूं तो आई डोंट ट्राई एंड डुप्लीकेट दैट ट्रेडर स्टाइल। तो मेरा सेटअप है, मैं खाली इतना ही देखता हूँ कि मेरे को अगर अभी मेरे को 60-65% सक्सेस रेट मिल रहा है, मे बी मेरे को वो कुछ ऐसी चीज सिखा देगा जो मैं अपने सेटअप के अंदर ऐड कर दूं, तो मेरा सेटअप शायद स्ट्रांग हो जाए जाता, राइट? सो एंड वेयर डू यू गो एंड मीट ट्रेडर्स? अटेंड करते हो तो आप 5-7-10 लोगों को मिलते हो, एक सोशल सपोर्ट खड़ा करना बहुत जरूरी है, बरोबर है। यू नो। सो वो मस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ये रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स बहुत सालों से ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और मैं फंस जाता था, मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट भी लेता था। नो, आई अटेंडेड, मैं नाम लूंगा, यू नो, मैं मितेश भाई का ट्रेनिंग अटेंड किया, बड़ोदरा में उनका फर्स्ट ट्रेनिंग था। ही ऑल्सो डज द सेम, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम इन दैट ट्रेनिंग। तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है, सो आई हैव, वो दिन के बाद मैंने वॉल्यूम चार्ट भी डालना चालू कर दिया मेरे चार्ट्स पे, इट हैज हेल्प मी 100%, बिकॉज अब इतने ब्रेकआउट्स में अगर वॉल्यूम नहीं दिखता तो मैं एंटर नहीं करता हूँ। सो फॉर दैट आई एम थैंकफुल टू हिम, बिकॉज कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं हेल्प। मैंने वो एक मदन करके, आई डोंट नो, उसकी भी अटेंड करिए, ही ओपन द एंटायर रिस्क मैनेजमेंट वर्ल्ड टू मी, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन माई रिजल्ट्स। करेक्ट। और ये मितेश भी के ट्रेनिंग में आई मेट सच अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल। आप, आई डोंट नो, ये आई ट्रेड है डीजे भाई करके, राइट? हाँ यू नो हिम, या यू मस्ट हैव। नाउ एनी टाइम आई एम स्टक विद अ ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग में, स्ट्रेटेजी में, मैं कहीं पे भी फंसता हूँ, तो ही इज द फर्स्ट पर्सन आई कॉल,
एंड ही इज गुड इनफ कि वो एनी टाइम एवरी टाइम व्हाट एवर डाउट्स आए ही क्लियर. नाउ सी एवरी टाइम यू कैन नॉट बी द बेस्ट, आप कहीं ना कहीं तो फंसोगे क्योंकि मार्केट चेंज होता ही रहता है एवरी डे. करेक्ट, पहले 4-5 साल की साइकिल होती थी, अभी 2-2.5 साल में चेंज हो जाता है मार्केट. तो एवरी टाइम यू विल नीड सम हेल्प, डोंट क्लोज योर सेल्फ इज ऑल आई एम सेइंग. और कोई कॉलेज तो है नहीं ट्रेडिंग सिखाने वाले कि आपको आपके बैचमेट्स मिल गए, 5 साल के बाद आप कहीं फंसे हो तो आप उसको फोन कर लो. आपको खुद ही मिलना पड़ेगा ना ट्रेडर्स को, लाइक माइंडेड, तो कहाँ मिलोगे? या तो आप वो कॉन्क्लेव है, एनक्लेव है, वो अटेंड करो, वहां पे यू कैन डू सम नेटवर्किंग. करेक्ट, पॉइंट इज आप जो ढूंढते हो ना आपको मिलता है. अगर आपको ट्रॉलिंग के लिए ढूंढना है तो वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको सीखने के लिए मिलना है करेक्ट तो वो भी मिल जाएगा. नाउ इट डिपेंड्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ. करेक्ट, इंसान हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हमने तो एलन मार्केस एब्सोल्युटली 2014 में इसीलिए स्टार्ट चालू किया था कि डेमोक्रेटाइज कर दो, सबको एक्सेस दे दो। अब जो ट्रोल करते हैं उनको करने देते हैं, जो सीख रहे हैं विच इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन वो ओ सीख रहे हैं यस, और आई एम वो श्योर. आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड यू आर मेकिंग फ्रेंड्स नाउ इन द सेम कम्युनिटी. ग्रेट, फैंटेस्टिक, सो लास्ट स्लाइड कंक्लूजन में यही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर से यही मेरा सेम ही पॉइंट है. नॉन प्रॉफिटेबल क्लब में से बाहर निकल जाइए, हाँ रिस्क को रिस्पेक्ट करो, सेट हाँ जितनी भी बार बोलता है ट्रिगर उस दिन पुल कर लो, और एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप फिर वोट छोड़ोगे नहीं. सर लैडर इज गेट रिच स्लोली स्कीम, आराम से हो जाएगा, डरना नहीं है मार्केट से बेसिकली. फैंटास्टिक, सुपर सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. सुपर यशराज जी, वीडियो ऑन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वॉज अ प्लेजर. और आपका ट्विटर हैंडल वगैरह तो हम वैसे भी वीडियो के नीचे डाल देंगे, सो दैट पीपल हु वांट टू कनेक्ट विद यू कैन स्टे कनेक्टेड। किसी भी तरह से आप यशराज जी के साथ जुड़ते हैं, कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप है वो आपका और उनका है, मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है। तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, मेरा काम सिर्फ एक ही है, राइट लर्निंग आप लोग के लिए देना, बाकी आप क्या करते हैं वो आपका लुकआउट है। ये डिस्क्लेमर देना जरूरी था यशराज नहीं जी। नहीं पक्का देना सर. जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी कोई भी सिस्टम कितनी भी अच्छी हो, 60-65% से ज्यादा रिटर्न वो सक्सेस नहीं देगी, ये जी देख के ही चलना है आपको. यस, सो चलिए, इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म थैंक यू, अगेन. थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।